ये जब जैसे मेला स्टार्ट हो जाएगा ना, अच्छा यहाँ से सारी भीड़ आएगी, भरा हुआ ऐसा आएगा, इसमें जगह भी ना मिलेगी बिल्कुल आने की। पंखे वंखे तो लगा रखे हैं, स्क्रीन वगैरह सब लगा रखी है, लाइट भी है, ये कह रहे हैं माता के दर्शन रात दिन होते हैं, तो रात दिन भीड़ रहेगी। गुड़गांव की शीतला माता मंदिर, शायद ही कोई इस मंदिर के बारे में नहीं जानता होगा। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर हर साल सदियों से लाखों की संख्या में भक्त दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। नवरात्र के दिनों में तो बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, पूरा एक महीना यहाँ पर मेला लगता है। जय माता दी दोस्तों, आज हम पहुँच गए हैं शीतला माता के दर्शन करने के लिए जो गुड़गांव में है। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, उसमें शीतला माता कौन है, इसको इतना क्यों मानते हैं और क्या यहाँ रोगों का, कौन से रोगों का इलाज होता है, सारी डिटेल मैं उस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो आज की वीडियो इसीलिए बनाई गई है क्योंकि आज बताएंगे हम माता का मंदिर कैसा है, इसमें क्या क्या होता है, कहाँ क्या करते हैं, कैसे पूजा पाठ होती है, रास्ता कैसा है, कैसे आ सकते हैं, कहाँ है ये माता, क्या क्या जानकारी जो बच गई थी वो सारी चीजें और शेयर करेंगे, और हमने यहाँ पर कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या दर्शन किए। सबसे पहले हमने कार पार्किंग की, फ्री पार्किंग थी, प्रसाद लिया यहाँ से 500 का, 251 का, ये सारे यहाँ पर अलग अलग रेट हैं, आपको अपने मर्जी के हिसाब से प्रसाद ले लेना है। आप यहाँ आ सकते हो अलग अलग तरीके से भी, यहाँ बस भी आती है, बस स्टैंड भी है, मेट्रो से आ सकते हो, ऑटो से आ सकते हो, सारी सुविधा आपको यहाँ मिल जाएगी, आप जहाँ से भी आ रहे हो। सामने पुल है ये, तो ये माता मंदिर बस पास में ही, हमने यहीं गाड़ी खड़ी करी है। पानी की प्यास सी लग रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आज मम्मी हमारे साथ हैं, मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मम्मी को दर्शन कराने लले आए हैं हम माता के पास। आप से कभी पहले से कह रहे हैं मम्मी हमारे के खा रहा है, हम सोडा पी रहे हैं। और आज ये गीत आई है ना, ये दूसरे से ये सेकंड भी दूसरे रहे बढ़िया है, नाच लेंगे ये पैकेट वाले लो, ये बहुत बार आप पसंद करवा भाई। माता रानी शीतला माता के दर्शन करने आए दोस्तों, चलो आपको दर्शन कराते हैं। आज माता रानी ने बुला ही लिया, पता ही नहीं था कि माता रानी ऐसे बुला लेंगी। चलिए हमारी माता रानी भी साथ में है। अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है तो हम मेन गेट से एंट्री करेंगे, वैसे तो आने वाले टाइम में देख रहे हो आप सामने पुल जो बना हुआ है, भक्त सारे यहीं से जाएंगे, माता के दर्शन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़बरदस्त भीड़ आने वाली है। यहाँ पर भी हमारे जान पहचान के भाई साहब हैं, वो सारी डिटेल उन्होंने हमारे से बताई है, वो सारी चीज़ें आज आप वीडियो में शेयर करेंगे। शीतला माता के दर्शन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन जब नवरात्रे शुरू हो जाएंगे तो शीतला माता दिन और रात 24 घंटे दर्शन चलते ही रहेंगे। ये मेन गेट है, अभी भीड़ नहीं है तो हम आराम से जा रहे हैं, आने वाले टाइम में साइड में जो पुल बना हुआ है इसमें से भीड़ आएगी ज़बरदस्त। इसी तरह हम यहाँ से जब जा रहे थे तो भाई साहब ने बताया कि माता के जो दर्शन है वो आने वाले टाइम में ज़्यादा भीड़ होगी और इस पुल से जाएगी। दूसरा ये कि शनिवार एतवार सोमवार को भी ज़्यादा भीड़ आती है दर्शन के लिए। हाँ हाँ चलो तो सही, कहाँ गए? और ये हम पहुंच गए हैं दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये है माता रानी का दरबार, सभी भक्त यहाँ से दर्शन कर रहे हैं। माता रानी के मंदिर की तैयारियां चल रही है, काम चल रहा है, इसीलिए फिलहाल माता अभी यहीं से दर्शन दे रही है। बहुत जल्द माता रानी का एक बहुत ही सुंदर विशाल भव्य भवन बनने जा रहा है, माता रानी वहां से दर्शन देंगी। तो अभी तो माता रानी के दर्शन यहीं से कर लेते हैं। जय माता दी। Thank you.
ये है मंदिर के बाहर आने का रास्ता। मंदिर के बाहर आते ही माता की जोत जला लो। यहाँ पर मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, यहाँ पर आपको जोत मिल भी जाएगी। आप यहाँ से लो और माता की जोत जलाइए। चलिए अब आगे दिखाते हैं कि आगे क्या क्या यहाँ पर करने के लिए है। मुंडन कहाँ होता है, मट्टी कहाँ निकलती है और बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटी वो कहाँ कहाँ होती है। कहाँ जा रहे हो? हो गया हमारा काम, हो गया काम, दर्शन हो गए, हो गया सारा काम, हो गया झाड़ा। ये सब तो यहाँ पर आसपास में एक माता रानी का मंदिर है, काली माता का मंदिर, जो जल रही है। फिर उसके बाद ये आंगन बनाया गया है यहाँ पर, खाटू श्याम बाबा का मंदिर। उसके बाद यहाँ पर उतरवाए जाते हैं बाल। आप यहाँ पर देखिए ये बनाया हुआ है, इधर शनि देव मंदिर और हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर। मंदिर में अभी है ना काम चल रहा है, मंदिर बनाए जा रहे हैं और बाल वगैरह मिट्टी निकाली जाती है यहाँ पर। ये देखो थोड़ा सा ये यहाँ बना दिया है मिट्टी निकालने का, सब मिट्टी छोड़ रहे हैं अभी मंदिर में। क्या है कि काम चल रहा है तो मिट्टी भी यहाँ निकाली जा रही है और बाल भी यहीं उतारे जाएंगे। और यहाँ पर मन्नत के नाम से घर बनाए जा रहे थे। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति है, बहुत लोगों ने बना रखे हैं यहाँ पर। और पता है 20 रुपए ले रहे थे यहाँ पर जो पंडित जी बैठे हैं वो। हमने भी बनाई ये सारी चीजें। हाँ बेटा, कितने बिल्डिंग चाहिए, कितने मंजिल की बना दो, माता रानी सारी सुनेगी, सबकी सुनेगी। बनाओ बनाओ, शाबाश। तो दोस्तों, माता रानी के दर्शन कर लिए, भैरव बाबा के दर्शन कर लिए, यहाँ शीतला माता के दर्शन कर लिए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए हमारे। पर अभी खाली है मंदिर, आने वाले टाइम में थोड़ा सा और भीड़ होगी वैसे, पर दर्शन कर लिए भाई जरूर आओ, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर मुंडन लोग बच्चों का किया जा रहा, सारी चीज दिखाया, दर्शन हो गए, बहुत सारा प्रसाद मिल गया, आशीर्वाद मिल गया माता रानी का। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। शेयर लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना आपने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं, यहाँ के कौन कौन कर चुका है तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।